Welcome students. In the previous lecture, we were discussing about the electronic payment system. Now we will be continuing that lecture and we will be discussing the second part of electronic payment system. In previous one, we discussed about the digital token based e-cash and e-check. Here we will be discussing about the smart cards and the credit card based EPS system. So smart cards and EPS, smart cards or EPS ka kya hai link? Smart cards are the debit and credit card sized plastic cards with memory chips and with an embedded microprocessors to serve storage devices for large amount. Then credit and debit card with inbuilt transaction processing capability. ठीक है, तो स्मार्ट कार्ड्स हमारे क्या है? डेबिट या क्रेडिट कार्ड साइज के प्लास्टिक कार्ड्स है. ठीक है, प्लास्टिक कार्ड्स और उसमें क्या है, मेमोरी चिप्स. जैसे आपने नॉर्मल कार्ड देखे होंगे, जो किसी की भी बैंक का आपका जो एटीएम कार्ड है उसमें एक छोटा सा चिप लगी होती है. ठीक है, उसमें एक आपको शाइनिंग कलर का, गोल्डन कलर का एक छोटा सा चिप दिखाई देगा. ठीक है, इन द सिमिलर वे हमारे जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसमें भी उसी तरह का एक मेमोरी चिप होता है और एक प्रोसेसर होता है उसमें ही इनबिल्ट होता है टू सर्व स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, और ताकि हम जो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हैं, पेमेंट्स हैं, वो सब हम कर सकें, उसमें इनबिल्ट हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है. अब हम इसके टाइप्स देख लें तो हम जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वी कैन क्लासीफाई देम इनटू टू टाइप्स, रिलेशनशिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक पर्सेस एंड ई वॉलेट. ठीक है, रिलेशनशिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स, जहाँ हमारा नेम से ही क्लियर हो रहा है रिलेशनशिप, we are talking about some association here, advance cards with some additional features. These are, we can say, smart cards hain, but isme some special facilities aur hoti hain. Wo special facilities kya hain? Okay, it contains the addition of new services that a financial institution delivers to the customers through the chip based card. Agar koi bhi jo nayi service include hoti hai, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिलीवर करता है, दैट विल बी थ्रू द चिप बेस्ड कार्ड. अब एडिशनल फीचर्स क्या हो सकते हैं? एक्सेस टू मल्टीपल फाइनेंशियल अकाउंट, लाइक आप क्रेडिट कार्ड में जा सकते हो, डेबिट कार्ड, इसी मतलब एक रिलेशनशिप कार्ड से ही आप मल्टीपल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, एक्सेस वैल्यू टू एडेड मार्केटिंग प्रोग्राम, आप कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम है या लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं. मतलब मेनली बात है कि हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप कब बनता है? जब दो लोगों के बीच में कुछ एक्सचेंज होगा या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, दे टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कंपनी. तो इसी तरह से दे आर गिविंग फैसिलिटी टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, लाइक दे कैन एक्सेस मल्टीपल अकाउंट, दे कैन एड वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, मार्केटिंग प्रोग्राम्स, एक्सेस इंफॉर्मेशन दैट द कस्टमर वी वॉन्ट टू स्टोर on the card, or there are certain situations when the customer want to store certain kind of information, so that information can be accessed too. Now electronic purses and debit cards. Okay, e-purses are the multi-purpose prepaid smart cards, which are wallet sized smart cards embedded with programmable microchips that store sum of money for people to use instead of cash for everything, buying food or making photocopies and paying subway fees. Ab kya baat kar rahe hain hum yahan pe ki jo e purse hai, that is first is multi purpose ka matlab it can be used for number of different transactions and it is of wallet size. Jaise hamara chhota wallet hota hai, this size is almost same with an embedded प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप, जिसमें माइक्रो जो भी हमारे स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं उसमें हमारी प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप इनबिल्ट होती है, सो दैट इट कैन स्टोर दिस अमाउंट ऑफ मनी. मान लो उसमें 10,000 अमाउंट स्टोर्ड है, तो इफ यू वांट टू मेक पेमेंट यू कैन डू इट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक पर्सेस और डेबिट कार्ड, बट यू नीड नॉट टू पे इन कैश. ठीक है, आप चाहे फोटो कॉपी करवाएं या सबवे की फीस दें या कोई भी सर्विस आप ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए आपको पेमेंट करने की कैश देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आपकी हो जाती है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक पर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से डिफर है. ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स. इट इज लाइक व्हेनेवर एन अमाउंट इज डेबिटेड टू द क्रेडिट कार्ड्स
the card holder's account, a financial institution, money will be loaded on the card. ठीक है, आपने कोई भी अमाउंट आपने क्या किया अपने अकाउंट से उस कार्ड में लोड कर दिया, मान लो आपने 10,000 अमाउंट जो है 10,000 का अमाउंट अपने कार्ड में लोड कर दिया है, ठीक है, तो मनी हमारी क्या होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोड हो जाएगी। मान लो मेरा SBI में अकाउंट है तो वो उस कार्ड में 10,000 अमाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे। व्हेन अ कस्टमर परचेजेस एनी प्रोडक्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट टू द मर्चेंट्स अकाउंट। कस्टमर अकाउंट से कहाँ चला जाएगा, मर्चेंट अकाउंट थ्रू दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, वंस ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड द अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू द मर्चेंट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस हमारा जो अकाउंट वो है हम भी डायरेक्टली हम डेबिट वो नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमने कार्ड में लोड कर दिया अपना अमाउंट और जो भी अमाउंट हमने था वो हमने कार्ड के थ्रू पे कर दिया, कस्टमर्स अकाउंट से मनी पेमेंट हो गई और हमारे क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट हो गई मर्चेंट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, कस्टमर्स बाइज ई कैश फ्रॉम द बैंक, मतलब क्या करता है कंज्यूमर ने एक तरह से मान लो अपने उधार मांग लिया है कि बैंक से कि मुझे इतने 10,000 रुपीज दे दो, तो यहाँ से क्या हुआ बैंक से कैश यहाँ चला गया। बैंक सेंड्स ई कैश बिट्स टू कस्टमर्स आफ्टर चार्जिंग अमाउंट प्लस फी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विल बी चार्ज्ड एंड इट विल बी गिवन टू द कस्टमर। कस्टमर सेंड्स ई कैश टू द मर्चेंट, कस्टमर ने कोई सामान खरीदा और ई कैश किसको दे दिया मर्चेंट को। मर्चेंट चेक्स विद द बैंक दैट द ई कैश इज वैलिड, हो सकता है खाली फर्जी हो ऐसा नहीं है, तो मर्चेंट बैंक पहले चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद ही जो क्या है वो प्रोसेस आगे जाएगी, बैंक वेरीफाइज दैट ई कैश इज वैलिड, ई कैश जो है वो वैलिड है सब कुछ ठीक है, देन पार्टी हमारी कंप्लीट कर देगी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हम जब बात करते हैं कि उधारी पे चलती है आगे हम लोग इसको डिले कर सकते हैं पेमेंट। सो क्रेडिट कार्ड बेस्ड आर द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, दे आर नॉर्मली यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, मान लो हमारे पास हमने इस मंथ कोई आइटम खरीदना है, जैसे अभी होली राखी आ रही है या कोई ऐसा फेस्टिवल आ रहा है, बट यू डोंट हैव द मनी इन योर अपने अकाउंट में, आपके पास मनी नहीं है, सो दिस इज द गुड ऑप्शन लाइक क्रेडिट कार्ड, आप अभी खरीद लो एंड लाइक परचेज नाउ एंड पे लेटर ऑप्शन जो है हमारा, तो मेनली हम लोग किस लिए करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज पेमेंट सिस्टम। कस्टमर्स हैव टू गिव क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू द सेलर आफ्टर परचेज ऑफ एनी प्रोडक्ट, जो भी डिटेल्स आपकी इट कुड बी द कार्ड नंबर और CVV नंबर और जो भी आपका वो रहता है एक्सपायरी थ्रू, जैसे 0/21/0/0/2/21 अगर February 2021 है या इस तरह से उसमें डिटेल्स रहती हैं दैट यू हैव टू फिल आउट। वंस द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आर गिवन क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशन हैंडल द पेमेंट लाइक एनी अदर पेमेंट सिस्टम और उस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द EPS. This part is over now. We will be taking the next topic in the next lecture. Thank you.